खबर रायपुर से आज से खुलेंगे गिरजाघर। बता दें तमाम सावधानियों के बीच प्रार्थना की जाएगी। चर्चों में प्रवेश एवं निकासी के लिए अलग अलग दरवाजे होंगे। प्रवेश के पूर्व सैनिटाइजर, हाथ धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया है। चर्च के अंदर और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होगी। चर्च और परिसर में आने वाले सभी को मास्क का इस्तेमाल करना होगा। 65 साल से अधिक आयु के मसीहन, 10 साल या उससे कम आयु के बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और जिन्हें बुखार, सर्दी, खांसी, अन्य किसी तरह की बीमारी हो, वे चर्च में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए सुप्रिया पांडे चर्च से लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, गिरजाघर आज से खुलने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं? जी बिल्कुल, आज से जो है गिरजाघरों को खोला गया है और यहाँ पर सैनिटाइजर के साथ जो है प्रवेश द्वार बनाया गया है, साथ ही निकासी के लिए अलग द्वार बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम अंदर के नज़ारे की बात करें तो अंदर पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर जो है पालन हो रहा है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के बीच जो प्रार्थनाएं हैं वो की जा रही है। और साथ ही यहाँ पर ये फैसला लिया गया है कि अब 4 बार जो है वो प्रार्थना होगी, तो इस तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो कम की जा सकेगी। और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए चर्च में फादर भी मौजूद है, तो उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। जैसे कि पहले भी बताया गया है, यहाँ पे 4 मिसाएं रखी गई है संडे को, ताकि भीड़ को हम कंट्रोल कर सके, कम से कम रहे। और उसके बाद वो जैसे आते हैं तो उनको सैनिटाइजर द्वार से प्रवेश होना है, उसके लिए भी जो है वॉलंटियर्स थे कि उनकी दूरी जो है निर्धारित दूरी है वो बनी रहे। फिर उसके बाद इधर आने के बाद उनका जो है टेम्परेचर वगैरह भी लिया जाता है उनको, फिर हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग वो सब किया जाता है। फिर उसके बाद ये भी निर्धारित करते हैं कि जब वो प्रार्थना के लिए अंदर बैठते हैं तो एक निश्चित दूरी पे जो दूरी है वो तय करके लोग रखें। तो हम जो है पूरी तरह से इन बातों का ध्यान रख रहे हैं कि जो भी सावधानी है उसको पूरा किया जाए। जैसा कि 8 तारीख से जो है मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को खोला गया था, लेकिन चर्च को लेकर के नहीं खोला गया, चर्च को नहीं खोला गया था, अभी जो है वो खोला गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों 8 तारीख को क्यों नहीं खोला गया? अब देखिए, हमारा क्या है, एक सामुदायिक प्रार्थना ही रहती है अधिकतर, है ना। तो जब हम बुलाएंगे तो लोग समुदाय में ही आएंगे, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सोच विचार करना पड़ा और उसको किस प्रकार से किया जाएगा व्यवस्थित ढंग से, तो इसलिए 1-2 दिन का समय लग गया। यहाँ पर लोगों के नाम भी लिखे जा रहे हैं, क्या कुछ टेम्परेचर? जिस तरह से मंदिरों और मस्जिदों में प्रसाद के लिए मना किया गया है, अब चर्च भी खोले गए हैं, यहाँ पर रोटी और जल जो है प्रार्थना के बाद दिया जाता है, तो क्या वो भी दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए? जैसे कि मंदिर मस्जिदों में प्रसाद वगैरह मिलता था, उसे नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ पर रोटी और जल दिया जाता था, क्या उसे मना किया गया, क्या उसे प्रतिबंध लगाया गया उस पर? नहीं, उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारे पूजा का अभिन्न हिस्सा है और वो प्रसाद से बढ़कर है वो, है ना। तो लेकिन उसको भी हम, जैसे हम जाते हैं तो हम हाथ को धोते हैं, मास्क पहनते हैं, फिर उसके बाद जो आ रहे हैं उन लोग भी निश्चित दूरी पे रहेंगे, फिर बिना हाथ को छुए हुए हम उनको एक दूरी से ही उसको देते हैं, तो उसकी भी पूरी। किस तरह से दिया जाएगा उन्हें, जैसे कि अगर देने की प्रक्रिया होती है तो हाथ से हाथ जो है वो टच होता है, लेकिन इसे कैसे, किस तरह से दिया जाएगा? जैसे उनके हाथ को बिना छुए हुए ही हम उनको रखेंगे, जब मान ली टच भी होता है तो फिर से हम हैंड वॉश वो सब कर सकते हैं। पर हर जगह जिस तरह से मंदिरों में, मस्जिदों में मना किया गया है, जो प्रसाद देने वाले हैं हो सकता है वो भी संक्रमित हो, उन्हें भी कुछ परेशानी हो, उसके लिए क्या बात कही गई है? जिस तरह से मंदिर मस्जिद में प्रसाद देने से मना किया गया है, जैसे कि प्रसाद देने वाले भी संक्रमित हो सकते हैं, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? तो सबसे पहले तो पूरा चेक करते हैं, अगर कोई भी वैसा मिलता है तो हम उनको प्रवेश नहीं दे रहे हैं, है ना। तो पूरा निश्चित कर लेते हैं कि वो स्वस्थ हैं, संक्रमित नहीं है, तभी हम उनको जो है आने दे रहे हैं। आने देने के बाद भी उनको 3-4 बार सैनिटाइज किया जा रहा है, और उसके बाद निश्चित हो जाने के बाद ही उनको प्रवेश दे रहे हैं, तो इससे ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है।
तो जैसा कि आपने सुना कि फादर ने कहा कि यहाँ पर जो है संक्रमित होने की संभावनाएं हैं वो नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले लोगों को सैनिटाइज किया जाता है, फिर थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है उसकी, और उसकी एक एक डिटेल है। तो आखिरी सवाल, शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो ना के बराबर मरीज थे और लगातार मरीज बढ़े हैं, 1500 के पार मरीज हो चुके हैं, क्या लगता है कहाँ तक सही है अभी इस समय ये डिसीजन लेना? जी अभी ये जो है 1500 के पार जो मरीजों की संख्या है वो पहुंच गई है, तो क्या लगता है ये जो डिसीजन है वो सही है आप लोगों का? अब देखिए, सरकार ने अलाउ किया है तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हीं के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है हम उसी के तहत ही कर रहे हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे कोई भी किसी भी चीज से जो है इन चीजों को बढ़ावा मिले, तो हम पूरी सावधानी से उसको कर रहे हैं। जैसा कि चर्च में पूरी सावधानी बरती जा रही है और साथ ही केंद्र और राज्य के निर्देशों का भी पालन जो है वो किया जा रहा है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी सोशल डिस्टेंसिंग के बीच प्रार्थना करते हुए नजर आए, साथ ही यहाँ पर सभी लोग जो है तमाम सोशल डिस्टेंसिंग जो थी वो इन लोगों के बीच में थी, और यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई है, सैनिटाइजर द्वार जो है उनसे लोगों की जो प्रवेश है वो की हो रही है, और साथ ही यहाँ पर उसके बाद बिना हाथ लगाए यहाँ पर सैनिटाइजर जो है वो उससे हाथ धुलवाया जा रहा है, यहाँ पर लोग बिना हाथ लगाए सैनिटाइजर। सुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी वर्चुअल रैली करने जा रही है, इस रैली के